आप लोग अपनी स्क्रीन पर कुछ फोटो देख रहे होंगे और इन शख्स का नाम है दीपक त्यागी और आप में से कई लोग इन्हें जानते हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती के नाम से और हिंदू धर्म का संरक्षक या इन्हें रक्षक भी कई लोग मानते हैं। और आप देखते होंगे कि ये अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आप देखिए मुस्लिमों को लेकर उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं, महिलाओं को लेकर भी आपने देखा होगा इनकी सोच कुछ उल्टी ही है, उनको उन पर भी टिप्पणियां करते रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे पूर्व एक तरह से मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पर भी इन्होंने कुछ टिप्पणियां की हुई थी, उस समय भी काफी चर्चा में बने हुए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे दीपक त्यागी के बारे में। आखिर दीपक त्यागी हैं कौन, यानी कि यति नरसिंहा नंद सरस्वती आखिर हैं कौन, और इन्हें आप लोग दीपेंद्र नारायण सिंह के नाम से भी जानते हैं। और जूना अखाड़ा आप लोग सुनते हैं ना, इसका महामंडलेश्वर भी माना जाता है ना, तो इस पर भी बात करेंगे और इनसे जुड़े कुछ विवाद भी हैं उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बस एक ही बात आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग सस्ते कपड़े पहन लीजिए। मैं कहता हूं कि कम मतलब आप एक तरह से अपने पेट को काट के, यानी कि कहने का मतलब है कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को कम से कम अच्छी शिक्षा दीजिए, वो सही गलत का निर्णय कर सके। और आप देखिए कोई भी धर्म आप लोग उठा के देख लीजिए, धार्मिक ग्रंथ, उसमें आपको लड़ना नहीं सिखाता है। और आप देखिए कि हमारे देश का इतिहास हजारों साल का रहा है, हमारे देश में आपने देखा होगा सभी धर्मों के लोग एक होकर रहते हैं। हमारे देश में आप देखिए नफरत के लिए कोई जगह नहीं है किसी भी धर्म में, मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी या नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या फिर अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अपनी अपनी तरह से भाषण देते रहते हैं, और उन्हें आपने देखा होगा कि कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर देते हैं। अब पता नहीं सपोर्ट करने वाले कैसे लोग होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कम से कम इतना पढ़ा लिखा दीजिए वो सही गलत का कम से कम फैसला तो कर सकें कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। तो इनकी जन्म कुंडली हम लोग देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं, और जो लोग इन्हें गुरु मानते होंगे वो मानते रहें, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, उनके लिए गुरु हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए दीपक त्यागी ही है हम लोगों के लिए, ठीक है। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम दीपक त्यागी, इनके उपनाम की बात करें तो दीपेंद्र नारायण सिंह इनका नाम है, यति नरसिंहा नंद सरस्वती भी के नाम से भी जाने जाते हैं, और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। और इनके बारे में अगर हम लोग जन्म तिथि के बारे में बात करें तो 2 मार्च 1963 में मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। कहाँ? मेरठ उत्तर प्रदेश में। और एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश है और इसकी राजधानी लखनऊ है, इसी राज्य में इनका जन्म होता है। और आप देखेंगे इनकी शिक्षा की बात करें तो इनके हिसाब से चौधरी ताराचंद इंटर कॉलेज हापुड़ से ये शिक्षा लेते हैं, उसके बाद मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल मशीन बिल्डिंग मॉस्को रूस से ये अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, और ऐसे बताते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक किए हुए हैं, ठीक है। कौन? दीपक त्यागी की बात कर रहा हूं मैं। और धर्म की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म है, आप सभी जानते हैं कि कट्टर एक तरह से हिंदू है, काफी कट्टर है, कट्टर से भी कट्टर निकल जाइए, जाति से ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को, ठीक है। आपको बता दूं 1997 में ये भारत लौटते हैं तो ये हिंदू संगठनों से जुड़ते हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, सापा। उसके बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं और सन 2007 में ये डासना की देवी मंदिर के महंत बन जाते हैं, अभी भी आप देखिए वहां के महंत हैं। इनका राजनीतिक झुकाव की बात करें तो भाजपा यानी कि बीजेपी के समर्थन में ये बोलते रहते हैं, और आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का ये संरक्षण भी मिला हुआ है, और इसीलिए आप देखिए कि इतने बयानबाजी करने के बाद इनके ऊपर एक तरह से इनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती है, समझ रहे हैं आप लोग। और संस्था की कई संस्थाएं भी ये बनाए हुए हैं, हिंदू स्वाभिमान, धर्म सेना, अखिल भारतीय संत परिषद का राष्ट्रीय संयोजक भी अपने आप को बताते रहते हैं, तो ये भी इनकी कहानी है। और बताया ना कि अपने बयानों के कारण सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं,
आप देखते हैं कभी गांधी को गाली देते रहते हैं। तो अक्टूबर 2019 में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सीतापुर में भड़काऊ भाषण देने वाले यति नरसिन्हा नंद सरस्वती पर केस दर्ज किया गया था। वहां नरसिन्हा ने हिंदू समाज पार्टी के कमलेश त्रिपाठी की हत्या के बाद उनके परिवार वालों की मौजूदगी में 21 अक्टूबर 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था। तब नरसिन्हा यानी कि दीपक त्यागी को इस्लाम मुक्त मुसलमान मुक्त बनाने की बात कही थी। किसी देश को, भारत को, भारत को मुसलमान, इसलिए आप देखते हैं कि मुसलमानों पर काफी टिप्पणियां करते रहते हैं। यति नरसिन्हा नंद सरस्वती पर कथित रूप से दंगा करने और धार्मिक घृणा फैलाने के 6 मामले भी दर्ज हैं। और आप देखेंगे कि दीपक त्यागी हर समाचार चैनल की सुर्खियों में थे जब एक 15 वर्षीय मुस्लिम लड़के को डासना देवी मंदिर से पानी पीने के लिए पीटा गया था। हालांकि जांच अभी भी इसकी जारी है। उस समय भी आप देखिए काफी वीडियो वायरल हुआ हुआ था और उस समय इनकी आलोचना भी की गई थी। आप देखेंगे नरसिन्हा नंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आजाद अब्दुल कलाम को नंबर एक जिहादी बता रहे थे। और वीडियो में वह कह रहे थे कि कलाम ने पाकिस्तान को एटम बम का फार्मूला दिया हुआ है। और मुझे लगता है, मेरा कभी कभी मानना ये है, हो सकता है कि आप में से कई लोग खिलाफ भी हो, आप लोगों को ये हो सकता है कि पसंद ना आए, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग गांधी को गाली देते हैं या नाथूराम गोडसे को गाली देते हैं, या आप देखिए जवाहरलाल नेहरू हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भीमराव अम्बेडकर साहब हो, इस तरह के जो भी महापुरुष रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को, या फिर आप देखिए इन्हें आपके अब्दुल कलाम साहब को, आखिर उनके बारे में इन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़ा दिया जाता है उल्टा सीधा उसी के हिसाब से ज्ञान देते रहते हैं। अगर मुझे लगता है कि गांधी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग बेहतर जानते होंगे, आप लोगों ने गौडसे के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग बेहतर जानते होंगे उनके बारे में, ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ पढ़ते रहिए, किताबें इतिहास की जो स्पेशल बुक्स हैं उन्हें आप लोग पढ़ेंगे तो काफी समझ में आएगा। महिलाओं को लेकर भी आपने देखा होगा कि इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की हुई थी, उस समय भी ये काफी चर्चा में आए हुए थे। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के कारण आपने देखा ये काफी चर्चा में अभी बने हुए थे। तो इनकी लगभग यही कहानी है, या है? यही कहानी है इनके। और आप देखिए कोई अच्छा काम आप नहीं कर सकते हैं, ये अपने बयानों के कारण ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि चर्चा में बने रहने का इन्हें सलीका आता है। और आप देखिए इसीलिए हमेशा चर्चा में, सुर्खियों में बने रहते हैं। तो यही कहानी है इनकी, पढ़ते रहिए। अगर आप लोग भी किसी और व्यक्ति के बारे में बात करनी है तो बताइए, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। एक बात यही है लेकिन, कि फिर से कह रहा हूं कि कम से कम इतना तो न्यूट्रल रहिए कि सही को सही और गलत को गलत ठहरा सको। और मुझे लगता है कि अगर देखिए देश में अगर आप लोग किसी पक्षपात ना करके एक ऐसी अगर तराजू की तरह आप देखिए, कांटे की तरह वहां खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को सही गलत दिखाई देगा। जब हम लोग कहते हैं ना कि आंख बंद करके देखने लगते हैं तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है, तो वही हाल है अधिकतर लोगों का आजकल। इसलिए आप देखिए कि वो इस तरह के भड़काऊ भाषणों की एक तरह से आप देखिए आलोचना भी नहीं करते हैं, उनका एक तरह से आप देखिए पक्ष भी लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए।